हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नो द रियल आर्ट में। मैं पूनम शर्मा आज के अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी अनियन पेंटिंग, जिसे फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और बहुत ही अट्रैक्टिव ये हमारी अनियन पेंटिंग होगी। डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक स्केल लिया है और पेंसिल के साथ मैं अपनी शीट के नीचे वाले हिस्से में, यानी ऊपर का कुछ हिस्सा हमें अपनी शीट का छोड़ देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इतना मैंने छोड़ दिया है और इतना थोड़ा सा स्पेस मैं इसका नीचे का यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैं बिल्कुल सेंटर में अपनी शीट के, यानी जितनी मेरी शीट होगी उसका मैं सेंटर में एक लाइन ले लूँगी। फ्रेंड्स लाइन हमें अपनी ड्राइंग के जितना हम बड़ा बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, और लेकिन मैंने यहाँ पर 0 to 6 लाइन ली है। मैं आपको बता देती हूँ 0 to 6 मेरी ये टोटल लाइन है। अब फ्रेंड्स मैं अपनी लाइन के मिडल में 5 को बीच में रखूँगी और 10 तक मेरी टोटल लाइन होगी। यानी हमारी मिडल लाइन जो होती है उसमें हम जितना, यानी अगर हमने 5 सेंटीमीटर को बीच में रखा है तो हमें 5 में 5 सेंटीमीटर को ही ऐड करना है, तो टोटल हमारा 0 to 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। 0 to 10 सेंटीमीटर मैंने एक ये लाइट लाइन ली है फ्रेंड्स, हमें इसे ज़्यादा डार्क नहीं लेना है। अब अपनी लाइन के नीचे वाले सिरे पर भी मैं लाइन लूँगी, जिसे कि मैंने 3 सेंटीमीटर लिया है और मिडल मेरा 3 सेंटीमीटर है और टोटल लाइन मेरी 0 to 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब फ्रेंड्स मैं सबसे पहले इन्हें जॉइंट करूँगी। इस तरह से मैंने इसे दोनों तरफ से जॉइंट कर लिया है। अब फ्रेंड्स बारी है हमें इसे शेप देने की। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, अब यहाँ से यहाँ तक मुझे इसे कर्व लाइन में मिलाना है इस तरह से। इसी तरह से नीचे के सिरे पर भी मैंने एक पॉइंट लिया है और इसे भी कर्व लाइन में हमें इसे जॉइंट करना है, मिलाना है इस तरह से। अब बाकी की हमारी जो फ्रेंड्स लाइंस हैं मैं उसे इरेज़ कर दूंगी। जो हमारी स्लिपिंग स्ट्रेट लाइंस थी उसी को इरेज़ करना है हमें इस तरह से। अब फ्रेंड्स इस लाइन से कुछ दूरी पे हमें एक और लाइन लेनी है, सेम स्पेस हमारा लाइंस के बीच में रहना चाहिए, और इस तरह से हमने इसे डबल ड्रॉ कर लिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स नीचे की लाइंस को भी हमें डबल ड्रॉ करना है इस तरह से। और अब हमें इसके बीच में इस तरह से फ्रेंड्स स्लांट लाइंस लेनी है। इसे मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ लूंगी। अब फ्रेंड्स हमें अपनी लाइन से ऊपर नहीं जाना है और यहीं पे, यानी ये जो दो लाइन है इनमें हमें इस तरह से हल्की हल्की गोलाई देनी है इस तरह से। और अब बारी है फ्रेंड्स हमारी नीचे की। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो हमारी साइड्स की लाइंस थी इसे भी मैं हल्का सा कर्व में ड्रॉ करूंगी इस तरह से। और अब फ्रेंड्स मैं मिडिल की जो मेरी लाइन है मैं इसे इरेज कर देती हूँ, और साइड्स की जो हमने लाइंस ली थी वो भी हम इरेज करेंगे इस तरह से। और अब फ्रेंड्स इसी लाइन को फॉलो करते हुए हमें डबल डबल लाइंस कुछ कुछ दूरी पर लेनी है।
अब इस तरह से हमें एक स्ट्रिप को छोड़ते हुए अपनी लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने ये लाइन ली है, अब मैं इसे छोड़ दूंगी, इसके ऊपर मैं लाइन नहीं लूंगी। नेक्स्ट मैं इसके ऊपर लाइन ले लूंगी इस तरह से, और इसे अब छोड़ना है। और जिसके ऊपर मैंने लाइन ली है फ्रेंड्स, उसकी ड्राइंग को हमें ऊपर से मिटा देना है। इस तरह से मैंने उसे इरेज कर दिया है, अब इसे मैंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट मैं फिर से इसके ऊपर ले लूँगी इस तरह से, यानी हमने ये जो ड्राइंग की है, बारीक बारीक स्ट्रिप्स हमने बनाई हैं, इन्हें एक को छोड़ना है और एक को हमें लेना है। और ये हमारा बास्केट बन करके तैयार है। अब फ्रेंड्स हम बारी है इसमें कलरिंग करने की। सबसे पहले मैं इसमें कलर करूँगी, और जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है, साफ प्लेट है मिक्सिंग करने के लिए, और एक बाउल में साफ पानी भी लिया हुआ है। और साथ ही फ्रेंड्स हम अपने साथ अपने पास में रखेंगे हाथ में एक कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा है ये, हमें इसी तरह का कपड़ा लेना है जो पानी को अच्छे से ऑब्जर्व कर जाए। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डार्क ब्राउन कलर यहाँ पर ले रही हूँ। फ्रेंड्स कलर आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो करने का ढंग है वो इसी तरह से आप कीजिएगा जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपनी अपने बास्केट में कलर करने के लिए ब्राउन कलर को प्लेट पर निकाल लिया है, और इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास ब्राउन कलर नहीं है, 6 का पैक है, तो आप रेड एंड ब्लैक को शेक करके, जिसमें कि ब्लैक की क्वांटिटी आपको बहुत कम रखनी है और रेड को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो हम अपने पास एक ब्राउन कलर शेड बना सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें लेना है, हमें लगभग अपने ये बास्केट की आउटलाइंस ही करनी है। हमने अपनी बास्केट की सारी आउटलाइंस कर ली हैं। अब फ्रेंड्स मैं ब्रश को पानी में, इस तरह से मैंने पानी में ब्रश को डिप किया है, और हल्का सा कपड़े के साथ इसको जस्ट थोड़ा सा मैंने इसको ड्राई किया है ताकि इसमें से पानी की क्वांटिटी कम हो जाए। और इस तरह से फ्रेंड्स अब मैं अपने सारे बास्केट में इस तरह से इसको फैला लूँगी। अब हमें कलर नहीं लेना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसी शेड को डार्क करके लाना है, और कलर हमारा हमें बहुत ज़्यादा थिक भी यूज़ करना है। अब फ्रेंड्स इस तरह से ऊपर के बॉर्डर में हमें ऊपर और नीचे से इस तरह से शेड देना है। इसी तरह से सेम हमें नीचे भी देना है, बीच में से जगह हमें इसके छोड़ते रहनी है।
अब फ्रेंड्स अपनी बनाई हुई स्ट्रिप्स में भी हम शेड देंगे। स्टैंडिंग स्ट्रिप्स को हम फ्रेंड्स पूरा फिल कर देंगे, डार्कली हमें इसे फिल करना है। हमारा बास्केट बन चुका है। अब फ्रेंड्स बारी है अनियन से इम्प्रेशन लेने की। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर छोटे बड़े अनियंस ले लिए हैं, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा अनियन है ये, और ये छोटा है और ये बहुत ही छोटा है। ज़रूरत पड़ने पर हम इनके अलग अलग आकार के हिसाब से अपने अनियन के इम्प्रेशन लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसको कट करने के लिए यहाँ पर एक कटर लिया है और बिल्कुल सीधा हमें इसे बीच में से कट करना है। अगर आप छोटे हैं बच्चे हैं तो प्लीज़ आप इसे खुद कट ना करें, आप इसे अपने किसी घर में बड़े से ही कट करवाएं। और इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब फ्रेंड्स मैं इसमें रेड कलर अप्लाई करूंगी। और इस तरह से काफ़ी थिक हमने इसे ले लिया है। और फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से हमें इसे अपने बनाए गए बास्केट के ऊपर लेना है। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर छोटे साइज़ के अनियन को भी कट कर रही हूँ। और इस पर भी रेड कलर में ले रही हूँ। और इससे भी हम जगह जगह पे जहाँ पर हमें ज़रूरत है हम इम्प्रेशन लेंगे। और फ्रेंड्स हमने अनियन के इम्प्रेशन ले लिए हैं। अब बारी है अपनी पेंटिंग को ब्रश के साथ कंप्लीट करने की। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बारीक ब्रश लिया है और ग्रीन कलर्स के साथ मैं इस पर कुछ लीव्स बनाऊंगी।
तो फ्रेंड्स, बचे हुए अनियन को जिनसे हमारे लाइट इम्प्रेशन आए थे, उन अनियंस के प्रिंट्स को हमने अपने वाटर कलर के साथ दोबारा से डार्क कर लिया है। और कहीं कहीं पे फ्रेंड्स हमने ये डार्क करना है, पूरे अनियन के इम्प्रेशन को हमें इसे कलर नहीं करना है। और आप देख सकते हैं हमारा अनियन पेंटिंग, जो कि मैंने एक फ्लावर बास्केट है ये, और इसमें फ्लावर रखे हैं रोजेस के फ्लावर, मुझे ये तो हमने ये बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी तरह की आसान और वैल्यूबल अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।